दोस्तों, टैक्स जितना बच जाए उतना अच्छा है, इसलिए आपको हर वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी घटती है। हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबीए इन्फोवेंट्री। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है इनकम टैक्स के पर्पस से और हम लोग की जनरली अप्रोच ये रहती है कि हम बिल्कुल साल के आखिर में यानी के फरवरी या मार्च के महीने में जाकर ये सोचना शुरू करते हैं कि आप टैक्स कैसे बचाएं और पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करें, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी करेक्ट अप्रोच नहीं है। हमें इस बात की प्लानिंग साल के शुरू में ही कर देनी चाहिए कि हमें अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है जिससे कि हम अपना टैक्स बचा पाए और उस पर मैक्सिमम रिटर्न भी हम ले पाए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा कि आपको टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए लास्ट मोमेंट तक आप मत रुके रहिए। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर वो अपने बैंक वालों के पास जाएंगे या अपने किसी नॉन एजेंट को अपने घर पर बुला लेंगे और वो जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। जब भी कभी आप अपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले तो आप टैक्स को प्लान कीजिए प्रॉपरली, बिकॉज टैक्स सेविंग इज नथिंग बट योर अर्निंग। ये मानकर चलिए कि ये सिर्फ इसी साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर साल के लिए अप्लाई होता है, राइट? अपने टैक्स को डे वन से प्लान कीजिए। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप कितना अमाउंट किस इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, सो दैट आपको टैक्स बचाने के लिए भागदौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो जी, आप जैसे टैक्स बचाना चाहते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, वो ये कि आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो टैक्स बचाने के लिए, उस प्रोडक्ट की, उस इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। जैसे कि आप LIC की पॉलिसी लेने जा रहे हो तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस पॉलिसी की आपको जरूरत भी है या नहीं, या आप यूनिट परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या वह आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी आपकी मदद कर रही है, या आप ELSS परचेस करने जा रहे हैं तो वो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी कितनी मदद करेगी। अगर आंसर आपका ये आता है कि हां, इस LIC पॉलिसी की मेरे को जरूरत है या हमें यूलिप की जरूरत है या फिर हमें ELSS की जरूरत है और ये मेरे फाइनेंशियल प्लान, मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे, तभी आपको उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे, मेरा तो टैक्स बच रहा है और वो इसीलिए सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्या यह मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या मेरा टैक्स भी बचेगा, वो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए। दोस्तों, इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद नहीं करते हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दिस इज अ सीरियस बिजनेस। टैक्स को डे वन से प्लान कीजिए। दोस्तों, जब टैक्स सेविंग करने की बात आती है तो ये
दो तरह से किया जा सकता है, एक है टैक्स अवॉइडेंस और दूसरा है टैक्स इवेजन। अगर हम बात करते हैं टैक्स इवेजन की तो ये इल्लीगल है और हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। देयरफॉर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट टैक्स इवेजन एट ऑल। हम बात करेंगे इस वीडियो में टैक्स अवॉइडेंस की, जो कि पूरी तरह से लीगल भी है और जिसको इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब आप पूछेंगे कि टैक्स अवॉइडेंस कैसे किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे, सर इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी, ये तो हमें भी पता है। वेट वेट वेट, प्लीज डू नॉट लूज द पेशेंस। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वे भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। नाउ यू विल आस्क, सर आर यू क्रेजी, हु विल अलाउ अस टू अवॉइड टैक्सेस, हमें कौन अलाउ करेगा टैक्स अवॉइड करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आवर गवर्नमेंट, यस हमारी गवर्नमेंट ने होस्ट ऑफ सेक्शंस बनाए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी लीगली कम कर सकें। यस वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउ अस टू रिड्यूस अवर इनकम टैक्स लायबिलिटी लीगली। अब आप पूछेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो दोस्तों, वो हैं 80C, 80D, 80E, 80G। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं टैक्स रिड्यूस करने के लिए, और वो भी लीगली, जैसे सेक्शन 24A, सेक्शन 24B। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के अंदर जिनका यूज करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, और वो भी लीगली। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आज आपसे कौन कौन से सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं और वो भी लीगली। तो दोस्तों, मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ एक सेक्शन के बारे में, और वो है सेक्शन 80C। अब आप कहेंगे कि सर आपने सेक्शन 80C ही क्यों सिलेक्ट किया है हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसका इस्तेमाल तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। ये तो आपने ठीक कहा दोस्तों, लेकिन मैं आज आपसे एक डिफरेंट एंगल से सेक्शन 80C को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आप 80C सेक्शन को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि उसमें दो तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है यू स्पेंड सम मनी गेट द डिडक्शन एंड सेव द टैक्स, लाइक यू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ योर हाउसिंग लोन एंड यू गेट सम डिडक्शन। लाइकवाइज इफ यू पे द ट्यूशन फी ऑफ योर चाइल्ड एंड यू गेट द डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। मैं आपसे मनी स्पेंड करके आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के बारे में यहां डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। मैं यहां आपसे डिस्कस करूंगा उस ऑप्शन के बारे में जहां पर कि आप अपनी मनी इन्वेस्ट करें और टैक्स भी सेव करें, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यस सेकेंड ऑप्शन है यू इन्वेस्ट मनी एंड सेव द टैक्स। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यू इन्वेस्ट सम मनी एंड गेट योर इनकम टैक्स रिड्यूस्ड। आप कहेंगे हमने इस एंगल से तो आज तक इसको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, तो अब मैं वह आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप अपनी मनी इन्वेस्ट करके भी
अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। यहां मैं सिर्फ आपसे यही बात नहीं करूंगा कि कैसे आप मनी इन्वेस्ट करके अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि यह भी बताऊंगा कि कहां पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलोंग विद ड्यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी टू गो फॉर टैक्स सेविंग ऑप्शंस? माय डियर फ्रेंड, नो, नॉट एट ऑल। हो सकता है फॉर एग्जांपल आप यह मानते हैं कि आपने जो आज कमाया है उसको आप अपने ऊपर आज ही खर्च कर लें, उसका आज ही इस्तेमाल कर लें, आज ही उसका आनंद उठा लें, कल किसने देखा है। और उसके लिए चाहे आपको आज थोड़ा बहुत टैक्स भी क्यों ना पे करना पड़े, लाइक वेस्टर्न कल्चर, अर्न एंड एंजॉय द लाइफ, खाओ पियो और मस्त रहो। तो ये है ऑप्शन नंबर वन। अब हम ऑप्शन नंबर टू की बात करते हैं। इसके अंदर आप या तो एक्सपेंस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट टैक्स डिडक्शन। दिस इज एज पर टिपिकल इंडियन ट्रेडिशन, सेविंग करो जिससे फ्यूचर में समय पड़ने पर काम आएगी। बड़े बूढ़ों ने कहा है पैसा बचा कर रखो जिससे समय पर काम आए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अवेलिंग डिडक्शन और अवेलिंग एग्जेम्पशन इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज ऑप्शनल। इट इज एज पर चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन वेदर ही विश टू अवेल द एग्जेम्पशन और डिडक्शन और नॉट। तो ये एक पर्सन की प्योरली अपनी चॉइस है कि वो किसी एक एग्जेम्पशन या डिडक्शन को अवेल करना चाहता है या नहीं, और ये मैंडेटरी नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द टैक्स सेविंग ऑप्शंस, देन यू विल आस्क वेदर इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? नो, नॉट एट ऑल। इट इज देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट सिंस लॉन्ग। नाउ आई विल डिस्कस विद यू सर्टेन टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सर्टेन वाइडली प्रीफर्ड टैक्स सेविंग ऑप्शन जो कि अवेलेबल है इनकम टैक्स के अंदर आपके लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनकम टैक्स के अंदर, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सा टैक्स सेविंग ऑप्शन यूज करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट अदर देन दैट विच इज डिस्कस बाय मी इन दिस वीडियो, एंड व्हाई यू यूज दैट टैक्स सेविंग ऑप्शन। सो आई विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ दीज टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसमें आप एक साल, दो साल या पांच साल यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उतना वक्त बीतने के बाद आपको वो एक फिक्स अमाउंट वापस मिल जाता है। मैं आपसे बात करूंगा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम की जिसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और वो है 5-year FD विद बैंक। एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज फॉर 5 years एंड देयरफॉर हैविंग ए लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years। जी हां दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि ये 5 साल के लिए है, तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो इसका इन्वेस्टमेंट तो आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन इसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्सेबल है। इसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी अराउंड 5-6% ही मिलता है, और उस पर भी बैंक TDS काट लेता है। हालांकि
it's having ease of investment, like you can open FD online, security to greater extent in case of a good banks, and no hidden charges like commission in LIC policies. But at the same time, your funds are blocked for longer period, that is for 5 years, with no withdrawal facility and low rate of interest. Dosto, ab main baat karunga ek aur investment scheme ki, aur wo hai National Saving Certificate, that is NSC. NSC can be opened at any of the post office across the country. And as you know, that post office are having a very broad network across the country, even in villages also. NSC is fully backed by government, and therefore there is no need to worry as far as its safety and security is concerned. Ab aap puchenge ki mujhe interest kitna milega. To dosto, is par interest aapko milega 6.8% per annum, which is tax free under section 80C. Iske andar lock in period hai 5 saal ka, as compared to PPF jahan par lock in period hai 15 years. NSC ke andar premature withdrawal nahi allowed hai, except in the case of a court order and in case of a death, as compared to PPF account where premature withdrawal is allowed. NSC ke case mein minimum investment is rupees 1000, and then after in multiple of rupees 100. मैं आपसे अगला जो इन्वेस्टमेंट डिस्कस करूंगा वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज पॉपुलरली नोन एज पीपीएफ. सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है. तो दोस्तों, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, वेदर ही इज ए सैलरीड पर्सन और नॉट, ही कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट, बट एचयूएफ कैन नॉट ओपन ए पीपीएफ अकाउंट. हाँ, तो दोस्तों, हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वह सैलरीड पर्सन हो या ना हो, वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, लेकिन एक एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर, मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूं और मेरा ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर के साथ पीएफ अकाउंट है, तो क्या मैं भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. अब आप कहेंगे कि सर, मेरी तो सिर्फ शेयर इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है और कुछ थोड़ी बहुत इंटरेस्ट से इनकम हो जाती है, तो क्या मैं भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूं? हां दोस्तों, आप भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. अब मैं आपको पीपीएफ अकाउंट का सबसे पॉजिटिव और बड़ा फीचर बताऊंगा, और वो है कि इस पर जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है. यानी कि 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कितना भी आप इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट पर अर्न कीजिए, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है और उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है. ये नहीं, इवन वेन यू विथड्रॉ दिस अमाउंट, तो भी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, और उस समय भी ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है. अब आप पूछेंगे कि इस अकाउंट का टाइम पीरियड कितना होता है? तो दोस्तों, वो है 15 ईयर्स. हालांकि 15 ईयर्स के बाद आप 5 ईयर्स के लिए इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ 5 ईयर्स का ही एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको 5 साल का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा. इस तरह से 5 ईयर्स के आप एक्सटेंशन ले सकते हैं. अब आप पूछेंगे इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.1% पर एनम.
लेकिन गवर्नमेंट इसको एवरी क्वार्टर रिव्यू करती है और अगले क्वार्टर में ये चेंज भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है 15 साल से पहले बीच में, तो क्या मैं उसको भी ले सकता हूं? तो हां दोस्तों, आफ्टर 7 ईयर्स आपको पार्शियल विड्रॉल भी पीपीएफ अकाउंट से अलॉट किया जाता है। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर आपको मिनिमम 500 रुपीज पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना जरूरी है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ इज रुपीज 500। तो पीपीएफ अकाउंट इज फुल्ली बैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड देयरफॉर देयर इज नो नीड टू वरी एज फार एज इट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज कंसर्न। सो फुल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फंड्स एंड होली टैक्स फ्री इनकम बट लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि जिससे गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जा सके, ताकि न केवल उसकी हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस बल्कि उसकी मैरिज से रिलेटेड खर्चे भी मीट आउट किए जा सके। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि स्कीम को प्रमोट किया। इस स्कीम के अंदर या तो गर्ल चाइल्ड के नेचुरल पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ये अकाउंट वो अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम से खोल सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आप मैक्सिमम एक अकाउंट खोल सकते हैं अपनी एक गर्ल चाइल्ड के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक गर्ल चाइल्ड है तो आप उसका सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोल सकते हैं, ना कि एक से ज्यादा। इसके साथ ही एक फैमिली में मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं, यानी कि अगर किसी फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड हैं तो दोनों गर्ल चाइल्ड के नाम से एक एक अकाउंट खोला जा सकता है। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन, सर वेदर आई कैन ओपन 2 अकाउंट इन द नेम ऑफ माय सिंगल गर्ल चाइल्ड। आंसर इज बिग नो। अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं अपनी एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर 2 अकाउंट खोल सकता हूं? उसका आंसर है नो। आप एक से ज्यादा अकाउंट अपनी एक गर्ल चाइल्ड के नाम से नहीं खोल सकते हैं। सो ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड एंड दैट टू मैक्सिमम फॉर 2 गर्ल्स इन ए फैमिली। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज हैविंग मोर देन 2 गर्ल चाइल्ड, इन दैट केस ही कैन ओपन मैक्सिमम 2 अकाउंट्स एंड नॉट मोर देन 2। क्लियर? अब आप पूछेंगे कि सर ये अकाउंट मैं कब खोल सकता हूं, मींस व्हेन यू कैन ओपन दिस अकाउंट मैक्सिमम टिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 10 इयर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक गर्ल चाइल्ड 10 साल की हो जाती है तभी तक आप इस स्कीम के अंदर उसका अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद नहीं। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ दिस अकाउंट, दैट इज 21 इयर्स और मैरिज, विच एवर इज अर्लियर। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि इस स्कीम में लॉक इन पीरियड कितना है, तो वो है 21 इयर्स या डेट ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल, जो भी पहले पड़े, दैट इज विच एवर इज अर्लियर। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? तो दोस्तों, इस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस अकाउंट पर, वो पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
इसके साथ ही जब आप इसका अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. मीनिंग देयर बाय दैट व्हाट एवर इंटरेस्ट यू गेट ऑन दिस अकाउंट दैट इज फुल्ली टैक्स फ्री एंड नो टैक्स शैल बी चार्ज ऑन दैट इंटरेस्ट. ऑल्सो व्हाट एवर अमाउंट यू रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ दिस अकाउंट दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री. अब आप पूछेंगे कि इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा. प्रेजेंटली 7.6% इंटरेस्ट इस पर मिलता है जो कि एनुअली कंपाउंड होता है. मीनिंग देयर बाई दैट यू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.6% विच इज कंपाउंडेड एनुअली. दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टिल 30th जून 2021 and government reviews these interest rates every quarter and may undergo a change in the next quarter. So, dosto, present rate of interest is 7.6% and is applicable till 30th June 2021 kyunki government har quarter mein in interest rate ko review karti hai aur ye interest rate agle quarter mein चेंज भी हो सकता है. अब आप पूछेंगे कि क्या मैं इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता हूं. तो हां दोस्तों, वह भी आपको अलाउड है. आफ्टर 18 इयर्स ऑफ द एज ऑफ गर्ल चाइल्ड और वे भी या तो मैरिज के लिए या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए. यस माय डियर फ्रेंड्स, यू मे पार्शियली विड्रॉ द अमाउंट after 18 years of age of girl child, but that too only either for her marriage or higher education. इस account के लिए minimum investment 250 rupees है. Meaning thereby that you can make a minimum investment of rupees 250 in this account. Therefore, it is an ideal account for your girl child. The last investment option which I am going to discuss with you is equity linked savings scheme. Ji haan, equity linked savings scheme, popularly known as ELSS. This is nothing but a type of mutual fund scheme. In this scheme, whatever money you invest, out of that mutual fund house has to invest at least 65% of the fund money into equity shares and balance amount in debt. So in equity linked saving scheme mein iske fund house ko apne total fund amount ka at least 65% equities mein invest karna padta hai aur baki 35% in other instruments like debts. यहां पर आप ये ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उस म्यूचुअल फंड को एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है. हालांकि उससे ज्यादा भी वह फंड इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है. मीनिंग देयर वाई इवन 90% इन इक्विटी एंड बैलेंस 10% इन डेट इंस्ट्रूमेंट. यस, that is allowed. Next important feature of ELSS is that it is having the lock-in period of 3 years. Yes, आप 3 साल से पहले अपने ELSS को withdraw नहीं कर सकते हैं. So, you cannot withdraw money before 3 years. Now, we come to its taxability. For example, आपने किसी साल में ₹50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में अर्न किया, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. क्योंकि ₹1,00,000 तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इन एनी ईयर, तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर. यदि आपको ₹1,00,000 से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इन एनी वन ईयर, तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है. आप ईएलएसएस में
कम से कम 500 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय दैट यू कैन मेक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 इन ELSS। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, ELSS के अंदर कोई भी रिटर्न्स गारंटी नहीं होते हैं, अनलाइक PPF और NSE, क्योंकि ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो यदि मार्केट डज नॉट परफॉर्म वेल इन शॉर्ट टर्म, देन देयर मे बी नेगेटिव रिटर्न्स और नेग्लिजिबल रिटर्न्स आल्सो ऑन ELSS। बट इफ वी सी ऑन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ 3 years, दैट इज द लॉक इन पीरियड, देन इट मे बी सेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न मे नॉट बी रूल्ड आउट। तो दोस्तों, क्योंकि यह एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट, और अगर स्टॉक मार्केट डज नॉट परफॉर्म वेल इन शॉर्ट टर्म, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो आपको या तो नेगेटिव रिटर्न्स दे या बहुत ही नेग्लिजिबल रिटर्न दे। दोस्तों, देखा यह गया है कि जिन्होंने आज से 3 साल पहले ELSS में इन्वेस्टमेंट किया था, उनको आज बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं ELSS में, तो हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको ELSS पर इतना बढ़िया रिटर्न शायद ना मिले, या शायद उसमें निगेटिव रिटर्न भी आ जाए, अनलेस मार्केट मूव फर्दर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऑल इन ऑल ELSS पर आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं जनरली, और लॉक इन पीरियड भी सिर्फ 3 साल का है। लेकिन ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें आपको कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है, और ये प्योरली आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। नाउ यू विल आस्क, सर इफ आई डिपॉजिट रुपीज 1 lakh इन NSE, another rupees 1 lakh in PPF, another rupees 1 lakh in Sukanya Samriddhi Yojana, and another rupees 1 lakh in ELSS in a year, total 4 lakh. Then, whether I shall get the deduction of rupees 4 lakh from my income in that year? No, my dear friend. You will get a deduction of rupees 1.5 lakh only under section 80C, because that is the maximum permissible deduction allowed even if you invest rupees 4 lakh in tax saving scheme. तो अगर आप किसी साल में 4 लाख रुपए भी tax saving schemes के अंदर invest कर देते हैं, तो भी आपको maximum 1.5 लाख रुपए तक का ही deduction मिलेगा under section 80C and not more than that. तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABN फॉर वेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपके पास आ सके और
हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।